अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अर्थ ऑफ नॉलेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज निशान अली। रहे होंगे आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज निशान अली। तो हमने कुछ पीपीएससी के पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे। तकरीबन 50 या 50 से अबव जो है हमारे पीपीएससी के पास पेपर्स हो चुके हैं, और जो रिसेंटली जो हुए होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज भी इसी तरह जो है 2020 मतलब 2020 का पेपर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी प्लेलिस्ट जाकर लाजमी चेक किया करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लाइक वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक मैथ, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज जो है हमने एक जूनियर क्लर्क जो कि उसका स्केल है BS 11 और 2020 का पेपर है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में जो है वो हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें वो कह रहा है नेम द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो करंट डायरेक्टर जो है वो कौन सा है, FIA का वाजिद जिया। नेक्स्ट है, सेकंड एमसीक्यूज है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। कैपिटल जो है वो इजिप्ट का वो कौन सा है, कैरो। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पैमरा। करंट चेयरमैन जो है पैमरा का वो है मोहम्मद सलीम बेग। द इंटोनियम मतलब उसका उलट जो है फ्रोगल का क्या है, स्पेंड्रिफ्ट। द इंटोनियम उसका उलट जो है फ्लुएंस का वो दर्द है, दर्द मतलब कसरत होना। विच अमेंडमेंट मेड ऑन अप्रैल 23, 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो डिफाइन करता है कौन सी अमेंडमेंट में, जो है अप्रैल 23, 1974 में वो जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी उसमें जो है वो डिफाइन की गई बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिना। कायद आजम मोहम्मद अली जिना के बाद जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन उनका नेम है। एम्परर हुमायूं वाज ऑस्टेड बाय शेर शाह सूरी। हुमायूं लिव्ड इन एक्साइल फॉर 15 ईयर जो है उनको एक्साइल किया गया। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन 1906, 1906 में जो है मुस्लिम लीग बनाई गई। विच सिटी वाज डिसाइडेड टू बी इट्स हेडक्वार्टर। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन से मतलब सिटी में जो है वो सिटी को जो है वो डिसाइड किया गया, लखनऊ को। नेक्स्ट है फ्रेडरिक पार्से अपोस्टल ऑफ पीस वन द फर्स्ट नोबल पीस प्राइज इन 1901। टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। फ्रांस से जो है वो बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। ये कौन सी ऑप्शन है जो कि टाइप नहीं है, किसकी, चार्ट की। टी ग्राफ जो है ये टाइप नहीं होती चार्ट की। नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएक्स एक्सेल 2007 आर। एमएस एक्सेल 2007 में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 16384। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी की एग्जांपल है। अगर आपने चेंज करना है टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में तो आप कंट्रोल प्लस आई जो है वो प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन। एनालॉग सिग्नल जो है वो मेजर किया जाता है किसमें, वोट्स में। फ्रॉम वेयर जेलम रिवर स्टार्ट। जो जेलम रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्ड कश्मीर से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो कह रहा है पार्किंसन जो है इज द डिसीज ऑफ। पार्किंसन इज द डिसीज ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो है पार्किंसन एक डिसीज होती है, बीमारी। द टर्म ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो हमारा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म कितना होता है, मतलब ड्यूरेशन कितनी होती है उसकी प्रेसिडेंसी की अकॉर्डिंग टू 1973। 5 ईयर जो है उसकी प्रेसिडेंसी की ड्यूरेशन होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन ऑफ इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कैनेडा जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है या मेंबर नहीं है। पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस UN ऑन
30 सितंबर 1947 में जो है पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था ऑफिशियली किसको, यूएनओ को। यूएनओ हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी निशाने हैदर अवार्डेड टिल प्रेजेंट, अब तक जो है 11 निशाने हैदर जो है वो अवार्ड किए गए हैं पाकिस्तान में। एबी डी विलियर्स बिलोंग टू विच कंट्री, साउथ अफ्रीका में के साथ जो है उनका ताल्लुक है। ये एक क्रिकेटर है एबी डी विलियर्स। सचिन सरमस्त वाज अ फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, सचिन सरमस्त जो है वो एक मशहूर शायर है किसके, सिंधी के। कैटरक्ट इज द डिजीज ऑफ आई, कैटरक्ट जो है ये बीमारी है किसकी, आंख की। इब्ने बतौता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तगलक, इब्ने बतौता जो है वो इंडिया आया था किसकी हुकूमत में, मोहम्मद बिन तगलक की हुकूमत में। नेक्स्ट है इन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विच आर नॉट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर जो हैं वो मेंबर्स नहीं हैं अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लीट द सीरीज 2, 4, 6, 10, 28, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 10, फिर 28, फिर 82, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, आप मेरी सीरीज की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। नेक्स्ट है इफ 1 इंच इज इक्वल टू 60 देन 2.5 इंच इज इक्वल टू, 2.5 इंच है तो 1 इंच जो है 60 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, हमारे पास 150 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वो कह रहा है कि 294 इज मल्टीप्लाई टू विच पॉजिटिव टू गिव अम कंप्लीट स्क्वायर। 294 जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें एक पॉजिटिव नंबर से तो वो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर देगा, तो 6 जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 6 को अगर 294 से मल्टीप्लाई किया जाए 1764 आता है, अगर इसका स्क्वेयर निकालना हो 42 का स्क्वेयर निकालेंगे तो वो 1764 के इक्वल आएगा, मतलब एक कंप्लीट स्क्वेयर हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर 7 और 8 अगर आप लेंगे तो वो कंप्लीट स्क्वेयर नहीं आएगा। शवाल जो है ये कौन सा मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, 10वां मंथ है। हजरत उमर मर्टायर्ड इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, मोहम्मद मुहर्रम में जो है वो उनकी मर्टायर्डनेस हुई थी। शबे मिराज इंस्टेंट टेक प्लेस ऑन 27 रजब, द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम पर तौरात जो है वो नाजिल हुई। बनी इसराइल वाज द नेशन ऑफ हजरत याकूब अलैहि सलाम, बनी इसराइल जो है वो नेशन थी किसकी, हजरत याकूब अलैहि सलाम की। सेकेंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज हदीस, सेकेंड सोर्स जो है वो इस्लामिक लॉ का हदीस है। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का सिस्टम स्टार्ट किया। विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, 22 to 7 इज इक्वल टू 3.2 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ये बी सी और डी ऑप्शन सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये इक्वालिटी सही जो है ये साबित होगी। नेक्स्ट है 39 2x + 7 इज इक्वल टू 19 देन एक्स, एक्स अगर आपने फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, 7 जो है यहाँ पर ले जाएंगे माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 6 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अटवाइज सोल्ड फॉर रुपीज 220, वट वॉज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वॉज 10% ऑफ द कॉस्ट, 200 जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा। अगर आप 200 का 10% लेंगे तो 20 प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस सपोज अ मास ऑन अर्थ बी 100 kg, व्हाट विल बी द मास ऑन मून, लेस देन 100 kg जो है हो जाएगा। क्रिस्ट मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1942 में जो है, क्रिस्ट मिशन अराइव इन इंडिया, इंडिया में आया था। फाइल फॉर्मर यूज इन पावर पॉइंट जो है वो कौन सी यूज होती है, जेपीजी, वेव या गिव, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर डी राइट ऑप्शन है। प्रेसिंग F8 3 times सेलेक्ट सेंटेंस, अगर आप F8 की जो है वो 3 times प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट करेगा कंप्लीट सेंटेंस को। नेक्स्ट है ब्रॉड ऑफ हॉल हैज बीन वेन्यू ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इन विच सिटी इज इट लोकेटेड, लाहौर में जो है वो
पाकिस्तान लाहौर में ये लोकेटेड है। फ्राइजी तहरीक स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, फ्राइजी तहरीक जो है वो किस सिटी से शुरू हुई थी, बंगाल से। इलस्ट्रेशन ग्रुप इज इन विच टैब, इंसर्ट में जो है इलस्ट्रेशन ग्रुप अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम, वर्कशीट एंड वर्कबुक बोथ जो है उनको रीनेम किया जा सकता है। टू सेंड इंडेंट टू चेंज द मार्जिन्स एंड टू सेट टैब शो अंडर रूलर, टू सेलेक्ट ऑल द स्लाइड्स और मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड सेलेक्ट करनी है या एक स्लाइड से ज्यादा स्लाइड्स को अगर आपने सेलेक्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट और क्लिक ऑन स्लाइड पर जो है वो प्रेस क्लिक करेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन डन ऑन ऑल ऑफ द अबव, अगर करंट स्लाइड पर अगर आपने ट्रांजिशन लगानी है, प्रीवियस पे लगानी है या न्यू स्लाइड पे लगानी है, तो आप डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन, टाइटल बार जो है वो शो करता है किसको, डॉक्यूमेंट नेम को और इंफॉर्मेशन को। इन एम एस वर्ड 2016 स्क्रीन शॉट इज इन इंसर्ट टैब में जो है वो होता है स्क्रीनशॉट। फॉर कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स वी यूज मर्ज फंक्शन, अगर आपने कंबाइन करना है टू और मोर सेल्स को तो मर्ज फंक्शन यूज होता है। टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो यूज किया जाता है। हेडर जो और फुटर जो होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सेव, अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव करनी है तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू या डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो सकता है ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन जो है वो टू होती है, एक लैंडस्कोप लैंडस्कैप होता है और एक पोर्ट्रेट, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल और एक लैंडस्केप होता है। क्लिप बोर्ड इन होम इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लेटर्स जो है वो यूज होता है, अगर आपने लेटर्स को स्टोर करना है तो क्लिप बोर्ड जो है वो यूज होता है। मर्ज मेल मर्ज टैब जो होती है वो मेलिंग में होती है। शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग, अगर आपने कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो एक कह लेंगे बार शो हो जाता है जहां पर आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो 1/1 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो इन पावर पॉइंट में कितनी होती है, 400% होती है। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी 10 मिनट के बाद जो है वो सेव करता है। रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट एट, सेल जो है रोज एंड कॉलम जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मर्ज मतलब मिलते हैं एक दूसरे से। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुआ था, 1960 में। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी जो है अलीगढ़ कॉलेज के वो कौन थे, हजरत सॉरी सर सैयद अहमद खान जो है उनका नेम था। विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद, अगर आपने एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना है तो उसको किस तरह शुरू किया जाएगा, इक्वल्स का साइन लगाकर जो है वो फार्मूला आप पुट कर सकते हैं। शॉर्टकट की फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, स्पेस अगर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। दश्त लुत जो डिजर्ट है वो ईरान में है। विच अलाइनमेंट च्वाइस स्प्रेड द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो स्प्रेड करता है डाटा को अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। कंप्लीट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12, यहाँ पर 3, 4, 1 का डिफरेंस, फिर 4, 5, 6, 7, 3 का डिफरेंस, इसी तरह पहले 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, तो 12, फिर यहाँ पर 3 का डिफरेंस आएगा तो 15 आएगा। 1/4 अगर ये फिर भी समझ नहीं आया तो आप सीरीज की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। 1/4 ऑफ 15 इज 3.75, अगर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे 3.75 राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। द स्टडी ऑफ कैंसर जो है वो ऑन्कोलॉजी है। एस्थमा इज प्रोवोक्ड बाय एलर्जी। डिक्शनरी वर्ड इन डिक्शनरी जो यूज होती है इन एमएस ऑफिस में वो थीसरस कहलाती है। वो कह रहा है पीच इज टू
HCAP मतलब ये पीच को उसने उल्टा लिख दिया है, तो वो कह रहा है कि अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में एक आपके पास नंबर हो तो वो क्या होगा, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, 14562 हो जाएगा। पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी, टू नेशन थ्योरी पर जो है वो बेस करती है। हमारे पास नेक्स्ट जो है क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट जो है वो कहाँ पर होता है, होम में। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन गलत है, तो होम जो हमारे पास होता है टैब वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कह रहा है ड्रॉप कैप मींस, ड्रॉप कैप क्या होता है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप्स, टाइटल कैप्स, ऑल कैप्स, तो ये कैपिटल कैप्स, यहाँ पर नन ऑफ अबव जो है राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, कैपिटल कैप्स होता है। मस्त वकली वाज पोइट ऑफ बलोची टू स्टार्ट स्लाइड शो फॉर प्रेजेंटेशन, अगर आपने स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शो करनी है, मतलब स्टार्ट करनी है, तो F5 अगर प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रोक्स अपडेट्स अ बिब्लियोग्राफी फील्ड, F9 जो है वो आप कीज प्रेस करेंगे, की स्ट्रोक्स अपडेट्स बिब्लियोग्राफी फील्ड। DNS रेफर्स टू डोमेन नेम सिस्टम, योर डैश फाइल स्टोर्स वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम, कैची जो है वो फाइल स्टोर करता है वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम को। अवॉइड इन अ वेब वेब पेज दैट क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, हाइपर लिंक जो है वो यूज होता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव एक्रोनियम ऑफ RW, अगर आपने रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज देखनी है तो वो RW, रीड एंड राइट, ठीक है। व्हाट इज टू बी यूज टू ऐड टेक्स्ट इन स्लाइड, अगर आपने स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। टू सेलेक्ट अ मल्टीपल स्लाइड शिफ्ट प्लस क्लिक, ये वही है शिफ्ट प्लस क्लिक स्लाइड, रिपीट हो रहा है एमसीक्यू। मस्त वक्ली, अब यहाँ पर उर्दू के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। मस्त वक्ली किस जुबान के मशहूर शायर हैं, बलोची। सिनफे नज़म मुनाजात से क्या मुराद है, जिसमें बंदे अल्लाह से अपनी हाजात बयान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहा है गोले का फूल खिलना, मुहावरा से क्या मुराद है, अनहोनी बात होना। मिलियन कौमी शायरी का बानी किसे कहा जाता है, मौलाना हाली को मिलियन कौमी कहा जाता है। प्रेशर कुकर किसका लिखा हुआ नावल है, सदीक सालिक का, वो वस्फी नाम जो किसी खसूसियत या विसफ की वजह से दिया जाए, लाइक इब्राहिम खलील अल्लाह शायर मशरक इलामा इकबाल, यहाँ पर लकब जो है वो उसे कहा जाता है। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत सिखाए, किसने इस्माइल को अदाबे फरजंदी, ये शेर किसका है, अलामा मोहम्मद इकबाल का। शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, जोश मली आबादी को कहा जाता है। उर्दू में सैयदुल अहरार किस शायर को कहा जाता है, मौलाना हसरत मोहानी को। महाना मखजन कहाँ से जारी हुआ, लाहौर से। तो ये आज का हमारा पेपर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, टॉपिक या किसी भी वीडियो में या किसी भी पेपर पीपीएससी के पास पेपर में, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू।